मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27th of November और आज है चीनी तोड़ के पापा का बर्थडे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उन्हें तो व्लॉग में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट या मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, क्या क्या सेलिब्रेशन किया है घर पे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो या आज वैसे आज स्पेशल बर्थडे इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 साल से चीनी तोड़ के पापा यहीं पर थे और हम लोग के साथ नहीं थे बर्थडे के उनके बर्थडे पे। तो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इस बार हम लोग सब लोग साथ में हैं। और नेक्स्ट ये भी स्पेशल बात है कि आज संडे है तो उनका ऑफिस नहीं था, इसीलिए दो चीज़ें हैं, प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि वो घर पे हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं और पूरा दिन रिलैक्स कर सकते हैं। और माइनस पॉइंट ये है कि हम लोग कोई सरप्राइज प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि वो लोग वो घर पे ही हैं सब कुछ देखने के लिए। तो एनीवेज जो भी मैं छोटा मोटा किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो केक का भी हमने ऑर्डर कर दिया है, केक आ गया है और अब हम केक कट करने जा रहे हैं। तो मैंने आफ्टरनून में जो स्पेशल लंच बनाया था बर्थडे के लिए वो भी मैं पोस्ट करूँगी इसमें, वो भी आप देखिएगा। और चलिए आपको केक दिखाती हूँ। सो यहाँ पर आज बन रहा है कौशा मांसो, मटन का रेसिपी है और ये हमारे बंगालीज में बहुत फेमस है, ये गोट मीट के साथ बनता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़े से कद्दू फ्राई करूँगी, आलू फ्राई करूँगी, गोभी फ्राई करूँगी, बैंगन फ्राई करूँगी। तो ये आज का रेसिपी है और थोड़ा सा स्पिनिच का भी मैं फ्राई करूँगी, स्पिनिच को जो हमारे शाग भाजा बोलते हैं। सो यहाँ पर जो तेल है वो गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े बहुत गरम मसाले डाले हैं जिसके अंदर है इलायची, लौंग और दालचीनी, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और प्याज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसमें बड़ी इलायची मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने बड़ी इलायची डाली नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी, जब ये प्याज फ्राई हो रहे हो उस वक्त मैं शुगर ऐड करूँगी क्योंकि शुगर ऐड करने से प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा और उससे काफ़ी अच्छा एक कलर जो है वो फुल रेसिपी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई होंगे, प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। यूजुअली मैं जब भी मटन का रेसिपी बनाती हूँ तो मैं यूजुअली सरसों का तेल यूज़ करती हूँ क्योंकि सरसों के तेल में अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर मैंने मटन ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया था, मैंने मटन इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको रोस्ट करूँगी थोड़ी देर इसी बर्तन में। अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैं फिर इसमें प्रेशर कुक करूँगी, इसमें सीटी लगाऊँगी। तो अभी के लिए तो ये इसी में कुक होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बनाया है जिसमें मैंने वाटर डाल के रखा है, ये वही अब तक धनिया, जीरा और मिर्च का है पाउडर। यहाँ बर्थडे स्पेशल थाली रेडी है जिसमें है बैगन भाजा, कॉलीफ्लावर फ्राई, कुमड़ो भाजा, पटेटो फ्राइज, शाग भाजा, भात, मांसो, पायश, क्यूकम्बर एंड मैंगो। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये है एग प्लांट, बैंगन, बैंगन का फ्राई है, ये है गोभी फ्राई, ये है कद्दू फ्राई, ये है आलू फ्राई और ये है पालक का फ्राई और ये है सेवई की खीर और ये है मटन करी, इधर खीरा और यहाँ पे है मैंगो। तो ये है हमारा आज का स्पेशल बर्थडे स्पेशल मेन्यू। सो दिस इज़ द बर्थडे केक। यस, ये मिनी केक है और हमने मिनी केक इसलिए मंगवाया है क्योंकि हम सिर्फ दो ही हैं खाने वाले, तो इसीलिए वेस्ट ना हो इसलिए हमने ये मिनी केक मंगवाया है। और ये मेरी ग्रेस का बहुत ही यमी सा चॉकलेट मूज केक है। सो लेट्स कट द केक नाउ। दिस इज़ माई चीनू चिन चिन और चीन एकदम रेडी है पापा के बर्थडे के लिए। और यहाँ मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया है जो ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन से है और मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये है फॉइल कर्टेन और बलून्स हैं, फॉइल बलून्स हैं और हैप्पी बर्थडे का बैनर है।
और ये रहे हमारे तोजे बाबू। तोजे बाबू भी रेडी हो गए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और हम यहाँ पर ये कैंडल्स यूज करने वाले हैं, रियल कैंडल्स की जगह। लेट्स गो। तोजो केक के साथ पिग और डॉग क्या कर रहा है? तोजे बेबी, नो 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 नो, कॉल पापा, चलो पापा को बुला के लाओ। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट, पापा विल कट, पापा विल कट। ए टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज, अभी हमारा जो सेलिब्रेशन है वो हो गया है, और बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल होता है सेलिब्रेट करना, क्योंकि केक को भी प्रोटेक्ट करना है और थोड़े बहुत पिक्चर्स भी क्लिक करने हैं, और बच्चों का तो आपको पता ही है कि कभी भी फोटोज़ ठीक से देते नहीं है, कभी इधर देख रहे कभी उधर। एनी विच वेज, जो भी करना था वो हो चुका है फाइनली। और या फोटोज़ क्लिक करना, इट्स जस्ट फॉर मेमोरी, क्योंकि आज जो दिन है वो बीत जाएगा, उसके बाद हम उस दिन को कैसे चेरिश करेंगे? फोटोज़ देख के ही करेंगे ना। तो हाँ, तो वन ऑफ द रीजंस फ़ोटोज़ खींचने का यही होता है, क्योंकि अभी दिन दिन चीनू तो जो भी बड़े होते जा रहे हैं, तो हम भी जब उनको छोटा छोटे वाले जो उनके फ़ोटोज़ देखते हैं तो हमें पुराने दिन याद आते हैं। अदरवाइज़ और क्या ही है, बड़े होते जाएंगे, पिछला जो भी है वो सब वो मिटता जाएगा, तो एटलीस्ट फोटोज़ वीडियोज़ में वो लाइव रहेगा, और जब भी हम नॉस्टैल्जिक फील करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो या दिस इज़ द स्मॉल व्लॉग फ्रॉम माई एंड, आई होप आपको पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।